एक बार एक नाव में एक मदारी अपने बंदर के साथ सैर कर रहा था। एक पार से दूसरी पार नदी में जा रहा था। उसके पास जो छोटा सा बंदर था वो दूसरा कुछ करता था, कभी किसी की गोद में जा बैठता, कभी किसी के कपड़े खींचता, कभी अलग से चेहरा बनाता, यानी कि सब जितने भी यात्री उसमें नाव में सवार थे सब परेशान हो चुके थे। इतना तक ये कि नाव हिलने लगी थी, सब यात्री सहमे हुए थे, वो परेशान थे कि ये बंदर का बच्चा अपनी पूरी नाव को डुबा देगा। उसी में एक फिलोसोफर भी बैठे हुए थे, यात्रा कर रहे थे, तो उनने कहा मदारी से आपकी आप चाहो तो मैं इस बंदर की हरकतों को बंद कर सकता हूँ। मदारी भी ऑलरेडी परेशान था, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो उसने उस बंदर की रस्सी को पकड़ा, उस बंदर को नीचे नदी में डाल दिया। तो नीचे डालने के बाद आप जानते हो बंदर परेशान हो गया, डूबने लगा। तब उसने फिलोसोफर ने रस्सी से पकड़ के वापस उसको नाव में चढ़ाया, बंदर को लिया। अब उस समय देखते हैं कि बंदर की हरकतें जो पहले उछल कूद वाली थी, सबको परेशान करने वाली थी, अब उस बंदर दुबक करके एक कोने में जा बैठता है और सभी का सफर आसान कट जाता है। इसी प्रकार से उसने जब पूछा कि भाई आपने इसमें ऐसा क्या किया, फिलोसोफर से सबने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा जादू किया इसमें जो एक तरह से कोने में दुबक के बैठ गया। तो फिलोसोफर ने बताया कि पहले इसको नाव की इम्पोर्टेंस पता नहीं थी कि नाव मेरे लिए कितनी कीमती है, परंतु जैसे इसको नदी में डाला गया डूबने लगा तो इसको नाव की इम्पोर्टेंस पता हुई। जब नाव की इसको इम्पोर्टेंस पता हुई तो इसको महसूस हुआ कि मैं अगर उछल कूद करूंगा तो वापस मुझे नदी में डाल दिया जाएगा, इसलिए उसने चुपचाप एक कोने में दुबकना ही उचित समझा। साथियों, इसी प्रकार से अपने जीवन में भी हमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्हें जो व्यक्ति उसकी हेल्प कर रहा है उसका एहसान नहीं मानते हैं। विद्यालय में भी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे उच्छंकता करते हैं, टेबल स्टूल तोड़ देते हैं, पंखा मरोड़ देते हैं। क्यों मरोड़ते हैं? क्योंकि उनको स्कूल की विद्यालय की उपयोगिता का पता नहीं है। नादान है वो, तो नादानी में सब काम होता है, परंतु जब उनको शिक्षा का महत्व पता पड़ेगा तो वही व्यक्ति या वही बच्चे जो पंखे तोड़ रहे थे, फर्नीचर तोड़ रहे थे या विद्यालय को क्षति पहुंचा रहे थे, वही आगे बढ़ के विद्यालय में हेल्प करेंगे। तो हमारा भी मकसद यही है कि जो बच्चे ऐसे हैं उनको उस विद्यालय की महत्ता बताए कि विद्यालय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, विद्यालय आपके जीवन को बना देगा, आपके भविष्य को उज्जवल बना देगा। यही अपने को प्रयास करना है और शिक्षा की महत्ता उनको बतानी है। धन्यवाद।